नगर माँ है धार्मिक। मैं तो अभी आज मोर पांचवा कार्यक्रम रही, छठवा कार्यक्रम रही, और छठवा कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा अब जनता जनार्दन तो हर जगह आनंद अनुभूति प्राप्त करी, लेकिन सही बोला तू जो सबसे ज़्यादा आत्मिक और खुदला जो आनंद अनुभूति हुई वो सबरी के धाम शिविर नारायण में हुई, और खास कर लयिका मन जितनी हैं ड्रेस माँ हैं यमन के प्यार और ये अविस्मरणीय भुलाए नहीं सके सको मैं, और बोला मुझे शब्द नहीं है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता इंग्लिश में, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई जो है, बट इट्स फेलो जो इमन में जो प्रेम और जो माई के प्रति जो श्रद्धा भक्ति की भावना है, मैं माँ ने प्रार्थना करता हूँ मन की कोई भी मनोकामना हो बोला शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मीडिया के भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन मीडिया के कारण ही आज हम आगे बढ़ाए, और कलाकार ने ज़्यादा ये पत्रकार और मीडिया वाले के हाथ होते इमन कलाकार ने जितनी चाहते हैं उतनी उठाते हैं, तो एमन के भी मोर पर जो ना आशीर्वाद है उकर पर मैं मीडिया के और पत्रकार मंत्री को हृदय ले आभार करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब जैसे आदेश माई करी जैसे आदेश भाई मन करी जरूर करबो, और बहुत दिन हो गए तो सही बात बोला था शिवरी नारायण के गाना लगभग 19-20 साल हो गई थी, और अभी कब तो बनना चाहिए। देखिए अब माई के दरबार में आए हूँ, सभी दाई के दरबार में आए हूँ, लयिका मन के जो प्रेम दिखा थे बोला ऐसा लगे थे बहुत जल्दी गाना सभी दाई के धाम पर लगे राम। मैं मोर भी इच्छा है, और आप भी दुआ करो, आप भी प्रार्थना करो, आप भी आशीर्वाद दो कि माँ के काम माँ और राम वनगमन पथ के राम जी के भजन माँ मैं अपन आप भी समर्पित कर सकूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। के जो अभी फूलमती गाना है वो मतलब दर्शक मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर रहा हूँ कि आज से लगभग 28-29 साल पहले मैं सब गाना लगा रहा हूँ, और आज मैं उम्र के दहलीज में हूँ, 60 पार कर गए हूँ, और ये सब गाना मन 30 के दिन हूँ, और आज भी लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, तो मुला ऐसे लगते कोई पिछले जन्म के कोई पुण्य या कोई तपस्या में करे रहे हूँ जेकर फल आज मिलते हैं। इस जन्म में तो मुला याद नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा काम करा, ऐसा मुला याद नहीं, लेकिन ये जो आपकी कृपा दृष्टि होते हैं शायद पिछले जन्म की तपस्या है।